कोडरमा में बारी के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक सम्मान समारोह के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार ने पूरे देश समेत झारखंड में बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किया है। उमाशंकर अकेला ने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार आवाम की दिक्कतों को दूर करने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के साथ ही झारखंड में भी किसानों के योजनाबद्ध तरीके से काम होने जरूरी है, तब देश आगे बढ़ेगा। वहीं बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर समाज को बांटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, ये चलने वाला नहीं है। सबरंग समाचार के लिए कोडरमा से कुमार रमेशम की रिपोर्ट।